कानपुर देहात में बहुत ही दुखद घटना है, जहां बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। ये सुबह सुबह जो घटना हुई, लोग सो भी रहे होंगे और उस समय अचानक ये घटना हुई है बहुत बड़े पैमाने पर। जब सूचना मिली मुझे कि नुकसान हुआ है, उसी समय वहां के संबंधित अधिकारियों को सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए कि जाकर के जो प्राइमरी मदद हो सकती है करें। मौके पर डीएम, मौके पर पुलिस कप्तान, मौके पर आईजी, मौके पर कमिश्नर और जितनी भी आसपास एम्बुलेंस हो सकती थी, जो कम समय में पहुंच सकती थी, वो पहुंचाने का काम किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच सके या ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके। मैं समझता हूँ ये घटना दुखद हुई है, ये घटना ऐसी नहीं हो, क्योंकि बहुत से बेचारे जो सफर में है उनकी जान चली गई है। इसमें संख्या अभी आई है, लेकिन हो सकता है संख्या बढ़े भी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया भी जा सके। मैं समझता हूँ काम तेजी से है, वहां पर सभी संबंधित अधिकारी मौके पर हैं, दवाई से लेकर के सब इंतजाम है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद और राहत पहुंचाया जा सके। देखिए हम हालांकि यूपी सरकार के कार्यों की सराहना की है, क्योंकि अगर घटना हो और घटना हो गई है तो सबसे पहले प्रदेश सरकार ही की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रदेश सरकार ही वहाँ अस्पताल है, एम्बुलेंस है, या जो प्रशासन है वो प्रदेश सरकार का ही है। तो मैं समझता हूँ प्रदेश सरकार की तरफ से जो जिम्मेदारी थी वो निभाई है और ज्यादा जान न जाए, यही हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। जहाँ तक परिवारों की मदद की है, क्योंकि मंत्री जी नैतिकता के आधार पर क्या रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए मैं इस बात को कह सकता हूँ कि पहली कोशिश होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचे। घटना जो हुई है वो विषय जांच का है कि घटना क्यों हुई, कैसे हो गई, उस पर अभी टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। अभी पहले लोगों को बचाना, जिनकी जान गई है उनको प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख हम लोग मदद करेंगे, और इलाज और जो गंभीर घायल हैं उनके भी मदद करने का काम सरकार की तरफ से होगा। देखिए वो मंत्रियों को मैंने कहा, मंत्री भी जाएं, और मैंने कहा कि पहले प्रशासन के लोग पहुंचे, मेडिकल टीमें पहले पहुंचे, एम्बुलेंस पहले पहुंचे, और मंत्री और हमारे जितनी भी लीडरशिप है वो गई है मौके पे, कुछ तो मदद भी की उन्होंने। हमने कहा पहले काम करने दें लोगों को और लीडरशिप वहाँ रहे, जिससे कि उनका भी सहयोग मिल सके। देखिए मैंने रेल मंत्री जी से बात की और रेल मंत्री जी ने कहा कि हाँ प्रदेश सरकार के लोग पहुंचे हैं वहाँ। हमने यही कहा है कि हमारी तरफ से आप जो सहयोग चाहते हैं हम देने को तैयार हैं, और हमारी टीमें हमारी मदद के लिए पहुंची हुई हैं। जहाँ तक और सवाल पॉलिटिकल हैं, क्योंकि लोकसभा चल रही है, तमाम लोग सवाल पूछेंगे उस पर, लेकिन अभी फिलहाल तो केवल लोगों की जान बचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलाज मिल जाए, ये हमारी प्राथमिकता है।